लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए पीछे हटिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज पीछे रहिए। हटिए हटिए, एक मिनट प्लीज हटिए। आइए सर, आगे क्या देना? आइए सर, क्या काम है आप लोगों का? प्लीज मिस्टर योगेंद्र बिश्नोई फ्रॉम सीबीआई। इस गैंग वॉर के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, मुख्तार मेमन। खाएंगे? तुमने अभी तक अपना ऊपर नीचे का समय बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है, क्यों? क्या बात करता है सर? दिमाग हिलने का सबसे बड़ा टाइम होता है बाप की कब्र पे मिट्टी डालना। वो टाइम नहीं मिला तो तुम्हें नहीं लगता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में बाप की कब्र से ज्यादा बड़ा खड्डा हो गया है जिसे भरते भरते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी? मैं यहां गैंग वॉर के लिए नहीं, तुम्हारे इसी खड्डे को भरने आया हूं। मैंने अपना काम कर दिया था, मगर बीच में ईमान से बोलता है, मैं रामगुरु आरजी साहब को आप समझाइए ना, मैं उन तक पैसा पहुंचाने ही वाला था कि बीच में उसे उड़ा लिया। अभी मैं इधर बैठा है, कुछ कर नहीं पा रहा है मैं। आप मेरे को इधर से बाहर निकालो, मैं पता लगा लेगा कौन किया है सब। इना मीना डिका रम पम पोष रम पम पोष। अगर सभी दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठ जाएं तो बैंड कौन बजाएगा? सर, युगेंद्र बिश्नोई, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वहां रहकर पूरे माहौल को देखकर निगरानी रखनी है, और हालात फिर से बिगड़े तो उसका इफेक्ट सर पर खड़े इलेक्शन पर पड़ेगा। तुम्हें इस केस की जड़ तक जाना है युगेंद्र। आखिर 3 साल बाद इस शहर में गैंग वॉर ने वापस सिर क्यों उठाया? आग की चिंगारी आई तो कहां से आई? तुम्हें इसके रीजंस तलाशने होंगे, समझे? जी,
और हाँ, जैसे ही तुम अपने रीजंस तक पहुंचते हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मुझको देना है। मैं ये नहीं चाहता कि उस स्टेट की बात ऑपोजिशन तक पहुंचे और ऑपोजिशन हथियार की तरह इस्तेमाल करे। जी, थैंक यू गांधी। इस केस की जड़ों तक पहुंचना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले पहले खबर मुझे देना। तार ढूंढना पड़ेगा, तार। सिटिया सुनी? हाँ। हमारे स्वागत के लिए तैयार है लोग। पुलिस चल। मुख्तार का आदमी बनकर उसका नाक के नीचे पुलिस का ड्यूटी बजाया। शकल से उतना शाना नहीं लगता था। और तू इधर क्यों आया? उसका वकालत करने के लिए। इससे पहले कि तू कुछ बोले मैं बोलता है। वैसे मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी वो मेरे आदमियों को मारता है। खेल उसने शुरू किया है, खत्म अपन करेगा क्या? उंगली नीचे रख के बात करना रघु। सामने से बात करने को आया इसका मतलब क्या? सर पे बैठ के नाचेगा तू? तेरे ये सब बोलने से मैं रुकने वाला नहीं है। मैं इस काम में और छोकरे बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा ना रघु, बढ़ा। मुख्तार की जितनी बैंड बजानी है बजा ले, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए सब रोक दे, नहीं तो भाव को जवाब तेरे को देना पड़ेगा। मैं बता दूंगा मुख्तार के आदमियों का पता, फिर निकाल लेना अपने भड़ास। हाँ एरिक बोल। राजा का पता चल गया है। और भाई ये राजा पप्पू और शकील तीनों मिलकर गैंगवार को बाहर से चला रहे हैं। ठीक है, मैं भाव को लेकर। क्या चाहिए? पुलिस वालों को देखकर लोग हमेशा ये क्यों पूछते हैं, क्या चाहिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। यार मैडी जी, इसके साथ जो हम करने वाले हैं, ये हम इसे करके बताएं या फिर बता के करें? भाव, पहले अगर बता देंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कर देते फिर बताते। मेरे साथ कुछ मत करना, वैसे भी आप लोगों की दुआ से आधा सफर बैसाखी पर कर चुका हूँ। अगर आप लोग बोलो तो ये शहर छोड़ के मैं चला जाऊँ। चायला घबर तो कैसा लग रही है, डरता है? देख फिलहाल तो तू सिर्फ नाम का राजा है, अब लोग तेरे को रियल राजा बनाने का सोच रहे हैं। किंग मुख्तार अंदर है ना, उसकी कुर्सी खाली है, तेरे को पायल सवाल तो नहीं है ना, तो आराम से बैठ जाने का। भाई की कुर्सी पे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसे ही होता है राजा, पहले बड़ा ऊपर जाता है फिर छोटा बड़ा बन जाता है, सिंपल है। नेतागिरी और गुंडागिरी में एक टाइम आता है, टाइम तेरा आया है, अभी फायदा उठा ले। अगर भाई को पता चला तो वो मेरे को छोड़े। अबे तेरे भाई की ऐसी लगेगी ना अंदर, जेल में हो जाएगा उसका। खुदा हाफिज। लेकिन ये सब कैसे होगा? वो सब हो जाएगा, हम सेट कर देंगे। तेरे को भी मालूम है पुलिस के हेल्प के बिना कोई गुंडा बड़ा नहीं बन सकता, तू अपना काम करता रहे ना, हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। बस मुख्तार की इन्फॉर्मेशन हमको देता जा। सोच क्या रहा है? अबे ओ, तेरे गैंग के पप्पू शकील कहाँ मिलेंगे? No!
दोनों तेरे काफी पंटरों को मार चुके हैं, ले जाओ और अपना हिसाब चुकता कर ले, लेकिन शहर में खून खराबा बंद होना चाहिए। इतना छोटा रिश्वत दे के इतना बड़ा काम करने को बोलता है, सोचना पड़ेगा। तेरे को समझा रहा है, समझ ले। क्या तेरे को सोचने का टाइम नहीं देंगे हम लोग? आज से गैंग वॉर बंद होना चाहिए, ये सलाह तेरे हक में है। निदास सालों को क्या करना चाहिए?